कासगंज में अमित शाह की मौजूदगी है। केंद्रीय गृह मंत्री कासगंज के दौरे पर हैं। वहां जब जनसभा को संबोधित किया उन्होंने, तो क्या कुछ बड़ी बातें उनकी रही लगातार आपको हम बता रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर, समाजवादी पार्टी पर, बसपा पर हमला बोला। पिछले किस सरकारों में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से आम जनता के हकों को मारा गया, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। और साथ ही बीजेपी की जमकर तारीफ की, उपलब्धियों को भी गिनाया। कासगंज के बाद अमित शाह सीधे जालौन पहुंचेंगे। जालौन में क्या स्थिति है, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने, आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा 6 जगहों से शुरुआत की गई थी 19 तारीख को और अब ये आगे बढ़ रही है। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी में राजनाथ सिंह ने इस रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी और आज ये जालौन में होगी। जालौन के उरई में एक मंच तैयार किया गया है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अमित शाह आ रहे हैं, एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि मंच पूरी तरह से सज चुका है। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में पिछली बार अगर चुनाव की बात की जाए तो 52 सीटों में से 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और झोली में गई थी। तमाम कटआउट्स लगाए गए हैं, आपको दिखाएं कि लिखा गया है सोच ईमानदार, काम दमदार, जन विश्वास रैली, फिर एक बार भाजपा सरकार। और कटआउट की अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, स्वतंत्र देव सिंह हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं और दिनेश शर्मा हैं। तमाम बड़े नेताओं की होर्डिंग्स लगाई गई हैं और जन विश्वास यात्रा के लिए आज से अमित शाह पहुंच रहे हैं। तमाम जगहों का दौरा है। कासगंज के बाद जालौन उरई पहुंचेंगे और बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार में आज तमाम ताकत दिखाने की कोशिश होगी, क्योंकि लगातार विपक्षी दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं और हमले कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया कुछ नहीं, केवल फीता काटा है। लेकिन कोशिश है कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की कि जो पिछला रिकॉर्ड रहा है उसको और ज़्यादा बेहतर किया जाए। 52 सीटों में 47 सीटें पिछली बार जीती थी, तो इस बार 50 प्लस का नारा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र से दिया गया है। लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है और 2 बजे के आसपास जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो यहाँ पर पहुँचेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जालौन से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा।